ये जो ड्रेनेज पे जो एनक्रोचमेंट हुआ है, जो भी होटल्स हो, जो बिजनेसमैन जो स्ट्रक्चर्स हो, जो भी एनक्रोच या बोर्ड डाले हैं, उससे क्या हो रहा है, नाली जाम होने से पानी आगे फ्लो नहीं हो रहा है, तो थोड़े लोगों को दिक्कत हो रहा है, उनके घरों में नाली का पानी जा रहा है। तो ये सब कंप्लेंट्स आया और हम जब आके देखे तो पूरा जो भी ड्रेनेज पे पूरा एनक्रोच 5-5 फीट 10-10 फीट एनक्रोच किया है। तो आज एनक्रोचमेंट निकाल के पूरे ड्रेन क्लीन कर रहे हैं और उन्हें नया बोर ड्रिलिंग करने के लिए परमिशन नहीं दे रहे, बंद किया है, क्योंकि आप ऑलरेडी बोर बहुत हो गए हैं। बनाने वाले के लिए भी अभी थोड़ा दिन के लिए भी कैसा भी क्या है, बोरवेल्स का परमिशन देने से जो ग्राउंड वाटर लेवल है डाउन जा रहा है, 400-500-600 फीट तक ड्रिलिंग जा रहा है डीपनिंग। तो जो भी ओपन वेल्स है वहाँ का पानी निकल जा रहा है जब बोरवेल डीपनिंग होने से, तो इसलिए हमने बैन किया है। अभी फिलहाल देखिए खाता म्यूटेशन जो भी है, जो लीगली है, एनए लेआउट है, जो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स, जो ओल्ड प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो एग्जिस्टिंग है, जो हमारे मेन रजिस्टर में एंट्री रहता है KMF में, वैसे खाता करने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप आ सकते हैं, सीधा मुझे अप्रोच कीजिए, मैं करके दे दूँगा। जो इलीगल है, जो कि बगैर एनए लेआउट होकर जो डाल के लेके गए हैं, जो डिजिटल खाता हुआ है, जो इलीगल डिजिटल, वैसे हम फिल्टर कर रहे हैं। जो कानूनी से कानून में जो जो आता है वो हम करने के लिए रेडी है और करके देते हैं, वैसा कुछ भी नहीं। कानून के जो बाहर रहता है उसका हम नहीं कर देते, लेकिन उसका तो अभी जो होटल्स के सामने जो पार्किंग का एरिया था वहाँ पर जो नाली अभी तक साफ नहीं हुई थी, ये पहले कमिश्नर साहब हैं जो आके इतना अर्जेंट काम कर रहे हैं और यहाँ की आवाम को सहूलत दे रहे हैं। कमिश्नर साहब आपका हम धन्यवाद करते हैं। चिदी रोड पे आज तक लाइट की सहूलत नहीं थी, बहुत जगह ऐसे पोल ऐसे पिछले काउंसलर कमिश्नर साहब भी गए कि अब तक हम आपको बताएं, अभी परसों ही हाल में जो पोल हो गए, हम मास मीडिया से आपकी शुक्र अदा करते हैं। और यहाँ की जो आवाम की जो ज़रूरी मसाइल थे इसके बारे में कुछ बताइए सर, नाली साफ करने के। अभी जो ड्रेनेज पे जो एनक्रोचमेंट हुआ है, जो भी होटल्स हो, जो बिजनेसमैन जो स्ट्रक्चर्स हो, जो भी एनक्रोच या बोर्ड डाले हैं, उससे क्या हो रहा है, नाली जाम होने से पानी आगे फ्लो नहीं हो रहा है, तो थोड़े लोगों को दिक्कत हो रहा है, उनके घरों में नाली का पानी जा रहा है। तो ये सब कंप्लेंट्स आया और हम जब आके देखे तो पूरा जो भी ड्रेनेज पे पूरा एनक्रोच 5-5 फीट 10-10 फीट एनक्रोच किया है। तो आज एनक्रोचमेंट निकाल के पूरे ड्रेन क्लीन कर रहे हैं और पूरे बीदर नगर के सार्वजनिक को एक रिक्वेस्ट है कि जो भी ड्रेनेज के सामने आपका कुछ भी एनक्रोचमेंट मत कीजिए, ड्रेन खुला रहना चाहिए, पानी ईजिली बहना चाहिए और कहाँ भी फ्लडिंग होने का मौका मत दीजिए। ये जो भी आप और जो प्लास्टिक जो यूज़ करें, थोड़ा कम से कम मिनिमम प्लास्टिक यूज़ कीजिए और प्लास्टिक यूज़ करना बैन बंद कर दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक जो ड्रेनेज में गिरता है उससे क्या होता है, पानी पास नहीं होता है, तो फिर जब बारिश गिरता है ज़्यादा जो पानी आता है तो फ्लडिंग होता है, तो सब घरों में घुसता है। इसलिए सब लोग सार्वजनिक पे एक गुजारिश है कि आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए हमको, बिदर म्यूनसिपाल्टी आप सबका जो भी काम है म्यूनसिपाल्टी से जो काम करना है करने के लिए हम रेडी है, लेकिन आप सब लोगों का आवाम का हमको सपोर्ट चाहिए। तो और एक बार मैं लास्ट फाइनली गुजारिश करता हूँ कि सब लोग जो कम से कम प्लास्टिक यूज़ कीजिए और प्लास्टिक जो हमारा जो ऑटो आता है डोर टू डोर कलेक्शन उसी को दीजिए, और जहाँ पे ऑटो नहीं आता है हमारे जो इंस्पेक्टर्स है, मैं हूँ, हमारा ऑफिस का AWs है, सब आप उनको कॉल करके बुला सकते हैं कि ऑटो नहीं आया बोल। सर ये तो रोड नाली मसाइल के हल के अब फिलहाल बदलना चल रहा है, बोर का काम हर जगह बोर बंद हो गया है कहते, इसमें कुछ बताएंगे सर? नहीं, कहाँ भी बोर बंद नहीं हुआ है जी, जहाँ हमने नया बोर ड्रिलिंग करने के लिए परमिशन नहीं दे रहे, बंद किया है, क्योंकि आप ऑलरेडी बोर बहुत हो गए जी। ये जो घर बनाते हैं ना उनके लिए क्या कैसा है ये मसला? नहीं, घर नया बनाने वाले के लिए भी अभी थोड़ा दिन के लिए भी कैसा भी क्या है, बोरवेल्स का परमिशन देने से जो ग्राउंड वाटर लेवल है डाउन जा रहा है, 400-500-600 फीट तक ड्रिलिंग जा रहा है डीपनिंग। तो जो भी ओपन वेल्स है वहाँ का पानी निकल जा रहा है जब बोरवेल डीपनिंग होने से, तो इसलिए हमने बैन किया है, अभी फिलहाल परमिशन नहीं दे रहे। और अगर ऊपर से डिस्कशन हो गया कुछ ये होगा तो हम इन फ्यूचर में देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ऑलरेडी 700-800 तो हमारा CMC का ही बोरवेल है बिदर म्यूनसिपाल्टी में, और है अभी प्राइवेट का कितना है अभी हमारे पास अभी फिलहाल लिस्ट नहीं है, तो हम वो सर्वे भी करेंगे। तो ज़्यादा बोरवेल अभी हम ड्रिलिंग का हमारा ऑफिशियली तो हम बैन किया है, दे रहे हैं, फ्यूचर में देखा जाएगा इसके बारे में। सर और एक सवाल, जो खाता म्यूटेशन जो होता है वो आपके पास से नहीं हो रहा बिल्कुल, ऐसा आवाम जो ये कर रही है इसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं देखिए खाता म्यूटेशन जो भी है जो लीगली है, एनए लेआउट है, जो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स जो ओल्ड प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो एग्जिस्टिंग है,
जो हमारे मेन रजिस्टर में एंट्री रहता है KMF में, वैसे खाता करने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप आ सकते हैं सीधा, मुझे अप्रोच कीजिए, मैं करके दे दूँगा। जो इलीगल है, जो कि बगैर NL आउट होकर जो डाल के लेके गए हैं, जो डिजिटल खाता हुआ है, जो इलीगल डिजिटल, वैसे हम फिल्टर कर रहे हैं। जो कानूनी से कानून में जो जो आता है वो हम करने के लिए रेडी है और करके देते हैं। वैसा कुछ भी नहीं, कानून के जो बाहर रहता है उसका हम नहीं कर देते, लेकिन उसका तो वो म्यूटेशन खाता होगा नहीं। तो आपका ये कहना है कि जिसके डॉक्यूमेंट सही करेक्ट हैं जो आकर मेरे से मिल सकता है और खाता म्यूटेशन कर सकते हैं? हमको मिलना ही ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे सभी केस वर्कर को इंस्ट्रक्शन दिया है, जो जो लीगली है विदाउट पेंडेंसी मेरे पास क्लियरेंस लेना बोल के दे दें। कोई भी दिक्कत रहे तो भी मैं, अगर मेरे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट आके मिल सकते हैं। मैं चेंबर में रहता हूँ यार, मेरा फ़ोन ऑलवेज चालू रहता है, आप कभी भी कोई भी आवाम कॉल कर सकते हैं। चलिए, हम कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि हम आपको वक्त दिए और ऐसे ही न्यूज़ों के लिए मास मीडिया बिदर से बने रहें।